गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जी के टूडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18th February के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है और कल ही हमने अपना नवंबर मंथ कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है, तो आज एक दिन का आपको रेस्ट दिया जा रहा है। आज किसी तरह का हमारा रिविज़न सेशन नहीं रहेगा और मंडे से हम लोग फिर से रिविज़न अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता दूँ कि दिसंबर और नवंबर मंथ के हमने करंट अफेयर्स एज अ रिवीजन सेशन हर दिन हमने किए हैं। टोटल हमने दोनों ही मंथ से 240 क्वेश्चंस निकाले थे, जिनको हमने 15-15 करके 16 डेज में कंप्लीट किया है। तो कोई अगर नवंबर मंथ का डेली करंट अफेयर सीरीज मिस कर चुका है तो वो इस तरह से रिवीजन सेशन हमारा देख के उसको कंप्लीट कर सकता है। ये टोटल 240 क्वेश्चंस जो निकाले गए हैं नवंबर से, ये टॉप 240 क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 या 6 महीने तक के करंट अफेयर्स आपके अच्छे से कवर होने चाहिए, तो उस फॉर्मेट में अगर मार्च में आपका पेपर है तो आप अक्टूबर तक जाके न्यूज़ को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी लाइन में हमारा ये एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने 2 मंथ अब तक कवर कर लिए हैं और मंडे से हम लोग अपना नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एलोकेटेड 13,000 crore रुपीज टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द वाटर कलेक्टेड इन चंबाल रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने 13,000 crore रुपये एलोकेट किए हैं किस पर्पज के लिए? चंबाल रिवर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पानी की नीड है उन डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उसके लिए। तो ये गवर्नमेंट है राजस्थान की, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इतना अमाउंट एलोकेट किया है ताकि ये इम्प्लीमेंट कर सकें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द रिसेंट स्टेट बजट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सरप्लस वाटर इकट्ठा हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमारे सदर्न राजस्थान रिवर्स में लाइक चंबाल या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक कुन्नू, पार्वती, काली सिंध एट्सेट्रा, यहाँ से पानी निकाल के हम उन डिस्ट्रिक्ट को पहुँचाएंगे जहाँ पे पानी की ज़रूरत है। और ज़्यादातर ये साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट किसका है, ये है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स फॉर ईच स्टेट इन इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेके डील करता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होने चाहिए? तो ये है आर्टिकल नंबर 153 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से डील करता है। और किस वजह से ये आर्टिकल आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है गवर्नर्स को 12 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में, और इन्होंने 2 गवर्नर के रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो याद रखिएगा जो झारखंड के गवर्नर हैं मिस्टर रमेश बायस, ये अब नए गवर्नर बन चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर मिस्टर बीडी मिश्रा को अपॉइंट किया गया है एज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ लद्दाख, ठीक है। और जो नए अपॉइंटमेंट हैं उनमें क्या क्या है, फर्स्ट यहाँ पे ऐसे छोटा सा बना के लिख दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसको गूगल में पढ़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्या त्रिविक्रम को अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपॉइंट किया गया है एज अ गवर्नर ऑफ सिक्किम। इसके बाद CP राधाकृष्णन को अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ झारखंड, क्योंकि झारखंड के जो पहले के गवर्नर थे रमेश बायस, ये गवर्नर बन चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट के। इसके अलावा शिव प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर चांद कटारिया बने हैं गवर्नर असम स्टेट के। और एक लास्ट है, रिटायर्ड SC जज अब्दुल नज़ीर, इनको अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ आप थोड़ा सा गूगल पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। स्मार्ट सिटीज मिशन किस यूनियन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। स्मार्ट सिटीज मिशन इंडियन गवर्नमेंट के अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम का पार्ट है, जिसका एम है सस्टेनेबल और सिटीजन सेंट्रिक स्मार्ट सिटीज को क्रिएट करना, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
और किसके साथ मिलके? स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलाबरेट करके। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 22 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं ये कंप्लीट कर दी गई हैं अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन, और जो रिमेनिंग 78 स्मार्ट सिटीज़ हैं इस मिशन के अंदर में, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे अगले 3 से 4 मंथ्स में। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? तो इंडिया की पहली जो फ्रोजन लेक मैराथन है, इसके लिए कौन सी जगह होस्ट है, आपको ये बताना है। तो इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को कंडक्ट किया जा रहा है एट पैनगोंग सो लेक, जो कि कहाँ पे है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। और इस इवेंट को कंडक्ट किया जा रहा है एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 13,862 फीट, और इस इवेंट में डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी? 21 किलोमीटर्स की। ये मैराथन बेसिकली स्टार्ट होगी ल्यूकुंग में और ये ख़त्म होगी मान विलेज में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो हैं ये इस इवेंट को ओवरसी करेंगे, और इस मैराथन को लास्ट रन के नाम से भी जाना जाता है टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पे हो रही है? लद्दाख में, ठीक है। इसके अलावा गुजरात स्टेट आजकल न्यूज़ में है, किस वजह से? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इनके स्टेट में 100% का इंक्रीमेंट पाया गया है इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स। ये क्या है एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट? इसको बेसिकली आप जंत्री रेट के नाम से भी जानते हैं, और ये मिनिमम रेट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है सभी तरह के रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए जब उनकी ओनरशिप चेंज होती है तब, ठीक है। और ये जो रेट्स हैं ये बेसिकली डिफर होते हैं बिटवीन द सिटीज़ एंड द प्लेसेस बेस्ड ऑन कि कौन सी जगह किस टाइप की है, उसकी लोकेशन क्या है और प्रॉपर्टी की साइज़ क्या है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में 100% इंक्रीमेंट अनाउंस किया है अपने एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, तो ये स्टेट है गुजरात, ठीक है। इसके अलावा कल हमने क्या पढ़ा था? कौन सी सिटी होस्ट है 14th एरो इंडिया इवेंट 2023 के लिए? ये सिटी है बेंगलुरु, राइट। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो थर्ड एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये कहाँ पे होगा? गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारे डिफरेंट तरह के होस्ट हैं अलग अलग, जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन टू एड्रेस करप्शन एंड ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन? कौन सी अफ्रीका की कंट्री है जिसने हाल ही में डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया है करप्शन को बेसिकली एड्रेस करने के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए? ये कंट्री है नाइजीरिया, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी डीमोनेटाइजेशन एक टाइम पे लागू हुआ था, और नाइजीरिया कंट्री ने डीमोनेटाइजेशन किस लिए अनाउंस किया है? करप्शन को एड्रेस करने के लिए और इनके यहाँ पे जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है उसको कम करने के लिए, ठीक है। पर्पज़ बेसिकली क्या है? जो पैसा बैंकिंग सिस्टम के बाहर सर्कुलेट होता है उसको बेसिकली वापस ले आना, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको मिनिमाइज करना। और जो नाइजीरियंस हैं अब उन्हें अपनी पुरानी 1,500 और 200 के नायरा बैंक नोट्स देने होंगे एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, अगर वो अपने नए नायरा नोट्स चाहते हैं तो, सेम जैसे हमारे यहाँ पे हुआ था। और इसी के साथ ये जो अफ्रीकन कंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा कैश पे डिपेंडेंट होती है, तो ये जो शॉर्टेज हो रही है नई नायरा नोट्स की ये काफ़ी ज़्यादा फिलहाल नाइजीरिया में क्योस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इन केस अगर आपसे पूछें कि कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में डीमोनेटाइजेशन को लागू किया है, तो ये कंट्री है नाइजीरिया। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू कैंपस ऑफ द अल्जमिया तुस सैफिया इन विच सिटी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो एकेडमी है ये कौन से सिटी में हाल ही में इनॉग्रेट किया है? बेसिकली ये एक तरीके आप कह सकते हैं कि अरेबिक एकेडमी होती है जो कि एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए होती है जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ के बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका मुंबई कैंपस इनॉग्रेट किया है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है ऐसा सेकेंड कैंपस है इंडिया में, फर्स्ट वाला कैंपस इनका कहाँ पे सिचुएटेड है? सूरत में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1810 में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है मुंबई में। ये भी याद रखने वाली बात है कि ये सेकेंड कैंपस है इस एकेडमी का, फर्स्ट कहाँ पे है? सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है ये। मीरा, विच कंट्री हैज़ प्लान टू लॉन्च
मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस. कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो मीरा को लॉन्च करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस. तो ये कंट्री है इंडिया, और इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो मीरा को लॉन्च करेंगे ताकि जो मिलेट्स का कंजम्पशन और प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जा सके. और मीरा के थ्रू बेसिकली इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जाएगा और जो मिलेट क्रॉप्स की रिसर्च है उनको बूस्ट मिलेगा. ठीक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव के थ्रू होगा क्या, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट मिलेट के कंजम्पशन को लेके, और इंडिया जो है इसकी इनिशियल फंडिंग को इनिशिएट करेगा, जबकि जो डिफरेंट G20 कंट्रीज हैं वो लेटर ऑन इस बजट में अपना योगदान देंगे. ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का, और मीरा का फुल फॉर्म क्या है ये भी ज़रूर याद रखिएगा, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज. जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है हमारी और US की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज है, इनके बीच की जो एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है आपको ये बताना है. इसका नाम है तरकश. तरकश ज्वाइंट बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड US की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज. और हाल ही में इसका 6th एडिशन कंडक्ट किया गया है चेन्नई में. कब से कब तक हुआ था? 16th ऑफ जनवरी से लेके 14th ऑफ फरवरी तक. ठीक है, और ये पहली बार है जब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को इंक्लूड किया गया है इस तरकश में. ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा तरकश. नेक्स्ट है, व्हाट इज अ नेम यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स कॉल्ड पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस. जो ग्रुप है सिंथेटिक केमिकल्स का जिसमें पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस आते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम क्या यूज किया जाता है? इसका नाम होता है फॉरएवर केमिकल्स. और ये काफी ज्यादा परसिस्टेंट होते हैं एनवायरमेंट में और डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं. और इनको फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और ये एनवायरमेंट में डिकेड्स या फिर सेंचुरीज तक परसिस्ट करते हैं. और हाल ही में एक नई स्टडी कंडक्ट की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसके बाद हमें ये पता चला कि फॉरएवर केमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं नॉर्वे के आइस रीजन में. ठीक है, तो इसी वजह से ये टर्म थोड़ा सा न्यूज़ में था, इसको याद रखिएगा कि एक ग्रुप ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स है. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द CPI बेस्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023. जनवरी मंथ में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन कितना था, आपसे ये पूछा जा रहा है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा वो इंक्रीज हुआ है टू 6.52% इन द मंथ ऑफ जनवरी, और लास्ट मंथ ये कितना था, 5.72% दिसंबर मंथ में. ठीक है, और रीज़न क्या बताया इन्होंने, जो फूड प्राइसेस में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इस वजह से. बेसिकली जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको मेज़र किया जाता है बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हाउस होल्ड सर्वे था ऑन इन्फ्लेशन, उन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो अगले एक साल में बढ़ता ही जाएगा बिकॉज ऑफ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर. ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि जनवरी मंथ में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन कितना है, 6.52%. ओके, नेक्स्ट है, एमडन पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री. एमडन पोर्ट एक्चुअली वेस्टर्न मोस्ट सी पोर्ट है जर्मनी कोस्ट का, और ये कहाँ पे लाई करता है, इट इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ एम्स रिवर, कहाँ पे, नॉर्थ सी में. किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लगातार मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन कंट्री को वाया दिस एमडन पोर्ट. ठीक है, और हाल ही में इन्होंने रॉकेट सप्लाईज को डिस्पैच किया है फ्रॉम द कराची पोर्ट फॉर यूक्रेन वाया दिस एमडन पोर्ट, और लगभग 10,000 रॉकेट्स अब तक शिप की जा चुकी हैं इस रूट से, जिनको कि यूज़ किया गया है इन द ग्रैट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स देयर इन यूक्रेन. और बदले में यूक्रेन क्या दे रहा है पाकिस्तान को, यूक्रेन पाकिस्तान को हेल्प करेगा इनके Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने में. ठीक है, तो एमडन पोर्ट इसी वजह से न्यूज़ में है क्योंकि पाकिस्तान इस पोर्ट के थ्रू यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है. फाइन, नेक्स्ट है, वॉट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2023.
वर्ल्ड रेडियो डे हर साल हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि रेडियो कितना इंपॉर्टेंट है एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। और यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था इस डे को सेलिब्रेट करना कब, 1946 में, और इस साल के लिए थीम रखी गई है रेडियो एंड पीस। बेसिकली ये दिन हाईलाइट करता है रेडियो के रोल को एज एन इंडिपेंडेंट मीडियम ऑफ पीस मेकिंग। और इस दिन के लिए सब थीम दो थी, फर्स्ट था सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट रेडियो और सेकेंड थीम रखी गई थी रेडियो इन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड पीस बिल्डिंग। ठीक है, तो रेडियो डे हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, थीम थी रेडियो एंड पीस और दो सब थीम थी सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंट रेडियो एंड सेकेंड थी रेडियो इन कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड पीस बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स डे विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। प्रेसिडेंट्स डे जो कि आजकल न्यूज में है काफी ज्यादा, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। प्रेसिडेंट्स डे बेसिकली एक तरह का फेडरल हॉलीडे होता है यूएस में, और यूएस में इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल फरवरी मंथ के 3rd Monday को। ठीक है, और ये बेसिकली एक तरह का ट्रिब्यूट होता है टू द पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स, स्पेशली टू जॉर्ज वॉशिंगटन जिनका जन्म हुआ था 22 फरवरी को। और ये दिन क्यों यूएस ऑब्जर्व करता है, ताकि उन लीडर्स को ट्रिब्यूट पे किया जाए जिन्होंने कंट्री के लिए सर्व किया है और उन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से यूएसए कंट्री से एसोसिएटेड है, इसको यूएसए कब ऑब्जर्व करता है, 3rd Monday ऑफ फरवरी को हर साल। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और क्योंकि आज कोई रिवीजन सेशन नहीं है तो यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। इसके बाद बस क्विज रहेगी, कल संडे है तो कोशिश करिएगा किसी भी एक मंथ का आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, आइदर इट इज़ नवंबर और अक्टूबर और दिसंबर और जनवरी। लेकिन संडे को हमेशा हर हफ्ते टारगेट बना के चला करिए कि एक घंटे निकाल के आपको किसी एक मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है। ठीक है, तो मंडे से हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मंडे को रिवीजन सेशन भी हमारा रहेगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अच्छे से संडे इंजॉय करिएगा, पढ़ाई भी करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखते रहिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं, ये 5 questions हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ।